शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला आज विद्यार्थियों के साथ बैठकर स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापक से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनके साथ विद्यार्थी और लुधियाना जिला कांग्रेस के प्रधान अश्विनी शर्मा भी स्मार्ट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और स्कूल में मैथ सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। यस सर, जेकर ये दो है, ये चार है, एक बटे दो आ गया अपने को, जेकर ये छह है तो एक कितना आएगा? पॉलिसी आ जान दो, मैं दस्या कि हाईलाइट्स तुम्हें मैं शेयर किए। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन अस मेरे साहब, क्या हाल है? तो अपना वो असी ये चाहते हैं कि असी जल्दी तो जल्दी ज़्यादा तो ज़्यादा स्कूलों को कवर कर सकी अंडर स्मार्ट क्लासरूम्स और स्मार्ट स्कूल्स। सब तो पहली गल है कि जदों तक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं होंगे उदों तक असी अपने स्मार्ट स्कूल्स स्मार्ट स्कूल्स नहीं बना सकते। जेडे जेडे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कम्यूनिटी सपोर्ट नाल पूरा हो जाए उस दे नाल असी अपने वालों सरकार वालों स्मार्ट क्लासरूम देने वास्ते उन्हां नूं प्रोजेक्टर्स ते LEDs देने वास्ते बायोमीट्रिक्स देने वास्ते सोलर पैनल देने वास्ते सरकार अपने वालों पाबंद है बेंचेस देने वास्ते, क्योंकि साडा टीचा यह है कि असी जिहड़े जिहड़े स्कूल्स दा विच बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सही है उत्थे असी इमीडिएटली स्मार्ट क्लासरूम शुरू कर सकते हैं। और उस तो सैकेंड पड़ा दे विच असी आने वाले 3-4 महीनों में वड्डे पद्धर के उपर भर्ती खोलांगे ताकि साडे जिहड़े स्कूलों के टीचर्स की कमी है वो पूरी हो सके। वो तो पारदर्शिता आई गई, तुसी ये देखो कि सारे जिहड़े टीचर साहबान है वो अपनी काबिलियत के तहत उन्होंने ट्रांसफरस हुई हैं। पहले राउंड 4500 लोगों की ट्रांसफर हुई, दूजे राउंड अंदाजन 1700 लोगों की ट्रांसफर हुई है और एक भी ट्रांसफर विदाउट मैरिट नहीं हुई, सारी की सारी ऑनलाइन लोगों की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से ट्रांसफर हुई।